नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लोकसभा दंगल को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटों पर व कांग्रेस, इनेलो व लोकतंत्र सुरक्षा मंच तथा इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने 6-6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, मगर अभी भी JJP व आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल नहीं किया। मगर सूत्रों की अगर माने तो JJP द्वारा 4 नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वो इस प्रकार हैं, हिसार से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह सिरसा से निर्मल सिंह मलड़ी तथा भिवानी से और महेंद्रगढ़ से स्वाति यादव तथा कुरुक्षेत्र से DD शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा अभी भी 5वीं सीट सोनीपत से गीता फोगाट को टिकट दी जा सकती है, हालांकि ये जानकारी अभी सूत्रों से मिली है। बाकी बची सीटों पर से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी व 3 सीटों पर JJP के चुनाव लड़ने की संभावना है। हालांकि आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह निर्णय या सहमति अभी नहीं हो पाई, इसलिए 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में अभी भी 1 या 2 दिन लग सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी NCR के आसपास की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत की 4 सीटों में से 3 सीटें अथवा करनाल और अंबाला से कोई 1 सीट लेती है, तो दोनों दलों की सहमति के बाद उम्मीदवारों की घोषणा होगी। फिलहाल दोनों पार्टियां असमंजस में नजर आ रही हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।